हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले क्लास टेंथ वालों के लिए रैखिक समीकरण यूनिट के चैप्टर 3.3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। उससे पहले फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा आगे वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड को भी हेल्प मिल सके फ्रेंड्स, क्योंकि इस चैनल पर क्लास टेंथ वालों के लिए सभी विषय का चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया जाता है। और अगर आप सभी विषय का प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा www.studyvid.in। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन में क्या कहता है फ्रेंड्स, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान निकाले जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, लिखते हैं हल, यानी क्या हुआ हल। अब समीकरण दिया गया है क्या, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = क्या है -24। इसे क्या करेंगे फ्रेंड्स, समीकरण एक मान लेंगे और इसे समीकरण दो मान लेंगे। यदि इसको फ्रेंड्स यदि प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं तो देखिए क्या है, समीकरण दो से है ना, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि यानी कोई भी एक चर को उठा के एक चर का मान निकाल के या दूसरे चर में रख के सॉल्व किया जाता है, यानी हल किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि कहते हैं ना। तो यहाँ पे समीकरण दो से यदि देखिए 2x - 4y = क्या है आपका -24 है। तो यहाँ पे क्या है -4y = क्या होगा -24 - 2x। तो यहाँ पे देखिए -4y, तो यदि यहाँ पे क्या करेंगे -y = क्या होगा -24 - 2x / क्या आएगा 4 आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ यदि माइनस से यदि गुना कर देंगे तो क्या आएगा -, -, +, तो +y = क्या है यहाँ पे, यदि माइनस यहाँ पे देखिए यदि गुना करेंगे है ना, तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आएगा -, -, +, और क्या है यहाँ पे -, -, +24 - -, -, +2x / 4 है ना। अब देखिए y = यदि उसमें क्या करेंगे, दो यदि कॉमन ले लिया हम तो क्या आएगा x आएगा +12/4। तो देखिए दो दो कैंसिल हो गया, दो दो ना 4, तो y = क्या आ गया आपका y = x + 12/2 है, क्या है x + 12/2। इससे क्या करेंगे फ्रेंड्स, समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से क्या है y = कितना है x + 12/2, समीकरण कितने किस में लिखेंगे, एक में प्रतिस्थापित करने पर, एक में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, दोनों एक ही बात है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, समीकरण एक क्या है, देखिए यहाँ पे फ्रेंड समीकरण एक क्या है आपका 2x + 3y = क्या है 11 है ना। तो उसमें क्या रखना है, y का मान रखना है ना, तो क्या 2x + 3y है, तो 3 × y का मान कितना है x + 12/2 = क्या है आपका 11 है ना। तो 2x + क्या आएगा 3 × x क्या आएगा 3x + 3 × 12 क्या आएगा 12 × 36/2 = क्या है 11 है। तो यहाँ पे देखिए यदि इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 2, और 1 और 2 को यदि एलसीएम निकालेंगे 2 और 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 × 2 = 4 2x + 2x क्या आएगा 4x + क्या है यहाँ पे 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 मतलब कटेगा 1 से, और 1 यानी भागफल 1 को और यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आएगा वही आएगा 3x + 36 आएगा है ना, 3x + 36 = क्या है आपका 11 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4x + 3x क्या है 7x + 36 = क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि गुना करेंगे तो 11 दुना क्या होगा 22 आएगा है ना।
दो इंटू ग्यारह क्या आएगा, 22 आएगा। तो यहाँ पे 7x बराबर क्या, 22 माइनस 36, तो क्या है 22 माइनस 36 बराबर क्या है आपका, माइनस 14। तो ये x बराबर क्या आएगा आपका, माइनस 14 अपॉन 7 बराबर क्या आएगा, माइनस 2। क्या आएगा, माइनस 2। अब इसके बाद x बराबर क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। यदि यहाँ पे समीकरण क्या है, 3, इसमें यदि समीकरण 3 में यदि मान रखेंगे फ्रेंड, देखिए समीकरण 3 में कितना y का मान रखने पर, यदि समीकरण 3 में यदि y का मान रखेंगे, सॉरी x का मान रखेंगे, तो कितना आएगा, देखिए x का मान रखने पर कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, x का मान रखने पर y बराबर क्या आएगा, x प्लस 12 अपॉन 2 है, तो क्या आएगा, माइनस 2 प्लस 12 अपॉन 2, तो माइनस 2 प्लस 12 क्या आएगा, 10 अपॉन 2, 2 पंचे 10, तो y बराबर क्या आ गया आपका, 5 आ गया। देखिए y बराबर 5 आ गया और x बराबर क्या आ गया आपका, माइनस 2। क्या आ गया, x बराबर माइनस 2 और y बराबर क्या है, 5 है। तो यही यदि प्रश्न से देखिए क्या होता है, दो दो समीकरण दे दिया था ना, क्या था, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर और बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर क्या, माइनस 24 को हल कीजिए। और इसमें क्या लिखना है, m का मान निकालना है, लेकिन क्या है, y बराबर क्या है, mx प्लस 3 है। तो हम x का मान निकाल लिए हैं, y का मान निकाल लिए हैं, तो m का मान क्या है, सबसे आसान निकल जाएगा, है ना। देखिए क्या है, y बराबर क्या है क्वेश्चन में आपका, y बराबर क्या है, एम एक्स प्लस 3 है। इसमें यदि x और y का मान रखेंगे तो y का मान कितना है, देखिए 2 है बराबर कितना है, y का मान कितना है, 2 है, y का मान कितना है यहाँ पे, सॉरी 5 है फ्रेंड्स, कितना है, 5 है यहाँ, है ना, यहाँ पे y का मान 5 है और x का मान कितना है, माइनस 2 है। तो m इंटू माइनस 2 प्लस 3, तो यहाँ पे देखिए 5 इक्वल m इंटू माइनस 2 कितना होगा, माइनस 2m प्लस 3, माइनस 2m, यहाँ पे देखिए माइनस 2m बराबर क्या आएगा, 3, यहाँ पे देखिए माइनस 2m तो कितना आएगा, 5 माइनस 3 आएगा, कितना आएगा, 5 माइनस 3। तो यहाँ पे m बराबर क्या आएगा, यदि माइनस 2m बराबर क्या आएगा, 5 माइनस 3 बराबर कितना आया, 2 आया। तो m बराबर कितना आएगा आपका, यहाँ पे 2 अपॉन माइनस 2, तो कितना आएगा, दो तो कैंसिल हो गया ना, एक, तो कितना आएगा, एम बराबर आपका कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। वही मान निकालना था ना, एम का मान कितना निकालना था, एम का मान कितना हो गया, माइनस 1, है ना। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या निकालना था, एम का मान ही निकालना था फ्रेंड्स, है ना, क्या एम का मान निकालना था यहाँ पे, क्या एम का मान निकालना था। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा आगे वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।